हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, उसको लेके कैंडिडेट्स के अंदर काफी एक डर सा बैठ गया है और होना भी जायज है, क्योंकि एक अध्यापक के लिए इतने सारे टेस्ट, इतनी सारी मतलब डिफिकल्टी लेवल, वो सारी चीजें देखकर एक अध्यापक डर सा गया है। और डर ये नहीं कि उसकी एलिजिबिलिटी को देखा जाए, डर ये है कि कहीं इंटरव्यू के नाम पे कुछ फ्रॉड तो ना हो, कहीं डेमो के नाम पे कुछ फ्रॉड तो ना हो। टेस्ट से कोई अध्यापक मेरे हिसाब से डरा नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो 3 साल का एक पीरियड रखा गया है वो क्यों रखा गया है। इसके बाद जो मेरा मानना है, इसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के नाम पर कहीं धांधली तो नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करप्शन रहा पहले भी वो इंटरव्यू के नाम पर रहा है। और इवन अगर हम बात करें 3 साल का जो प्रिपरेशन पीरियड रखा गया तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और आप लोगों की राय देखो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो मेरे विचार है और आप लोगों के विचार जो ज्यादा होंगे वो चीजें मैं मानूंगा। तो साथियों, अभी इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, ये एक तरह से जो ढांचा तैयार किया गया है और 31 मई को ये मतलब लेके आया गया है, अभी क्या है आपको 30 जून तक इस पे विचार देने हैं। जो भी स्टेट है या जो भी मतलब आप लोग भी अपने विचार डायरेक्ट पीएम सर को दे सकते हैं, तो अपने अभी आप लोग विचार दे सकते हैं, आप मीटिंग करके कहीं पे अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमें गलत लग रहा है। जैसे कि अभी कुछ बदलाव किए गए, पहले हिंदी को कंपलसरी किया गया था लेकिन अब हिंदी कंपलसरी नहीं होगी, मतलब ये बाध्य नहीं है कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ वाले जो स्टेट थे उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम हिंदी भाषा को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो अभी क्या है उसमें भी बदलाव किया गया, तो ऐसे बदलाव हो सकते हैं। अभी अभी आप अगर डर के बैठ जाएंगे, अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए तो आप इस बदलाव के लिए जरूर अपनी मांग को आगे लेके जाएं, और इसमें बदलाव जरूर हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बदलाव जरूर हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, अगर आप लोग सभी मिलके कुछ करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन सारी चीजें शांतिपूर्ण ढंग से हो तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग मिलके एक मीटिंग कर सकते हैं, आप लोग मिलके, जैसे अभी मैंने कुछ अपडेट मिली थी कि जंतर मंतर पर कुछ कैंडिडेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं चला क्योंकि मेरे पास तक वो सारी अपडेट आए नहीं है। हालांकि मैंने एक पंपलेट टाइप में या एक मैसेज देखा था, तो मुझे अभी पूरा पता नहीं है कि क्या वो रियल है क्या वो रियल नहीं है। लेकिन अगर रियल है तो सही है, आप लोग उनका सपोर्ट करें और मुझे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप डरे नहीं कि ऐसा हो सकता है, अभी नहीं, इसमें बदलाव हो सकता है, आप टेंशन ना ले बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या ये फाइनल नहीं किया गया है। फाइनल कब होगा, 30 जून के बाद। 30 जून तक आप लोगों को, स्टेट को इस पर अपने विचार देने की, ये बदलाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जो भी ऑफिसर्स हैं सभी अपने विचार देंगे, तो आप लोग भी अपने विचार दे सकते हैं। आप लोग किसी मिनिस्टर के पास जाएं, क्योंकि डायरेक्टली आपकी बात पहुंचना शायद मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगी, या आप इतनी ज्यादा संख्या में जाएं कि आप लोगों की बात वहां तक पहुंच जाए। तो साथियों, यही अपडेट है आप लोगों के लिए, तो आप घबराएं नहीं और शांति से और ढंग से दिमाग से काम लें तो सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। और मांग अगर आप रखना चाहें तो मुझे बताइए किस टाइप की आपकी मांगे होंगी, जिससे हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की मांग को आगे तक पहुंचाया जाए। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी मांगों को कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम कोई स्टेप लेने की हम भी अपने लेवल से कोशिश करते हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।